नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं शिवम पांडे और हम आज पढ़ेंगे ये निम्नलिखित टॉपिक, जिसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, दूसरा है सौ और हेलिना मिसाइल, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और साथ ही साथ खो खो खेल को क्या किसने मान्यता दी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे सोशल लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं, और हमारे जो नोट्स हैं उसको इंस्टा मोजो में आप बाई कर सकते हैं। यदि आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ऐप है, उसमें भी हमारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और वहाँ आप जाकर सर को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, चूंकि ये इंटरनेशनल है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 23 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में छठवें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है पर्यटन मंत्रालय ने किया है, और साथ ही साथ इसमें 3 राज्यों का सहयोग था। तो वो राज्यों के नाम आपको याद रखना जरूरी है, तो पहला है महाराष्ट्र, फिर बिहार है और उत्तर प्रदेश है, तो ये 3 राज्य इसमें सहयोग दिए हैं। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो ये आयोजन हुआ है, तो इसका जो थीम है वो क्या है उसको भी आपको याद रखना है, तो बुद्ध मार्ग सजीव विरासत, यह इसका मुख्य थीम है। सम्मेलन का जो उद्देश्य है भारत में बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और देश के बौद्ध स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके साथ ही बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले जितने भी समुदाय हैं और देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी इसमें विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इस सम्मेलन में धार्मिक, आध्यात्मिक, एकेडमिक और राजनीतिक और व्यापारिक आयाम भी शामिल है, मतलब सब तरीके से इसमें जो है बढ़ावा दिया जाएगा बौद्ध धर्म को। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का। पिछला सम्मेलन 2016 में हुआ था अक्टूबर में, सारनाथ, वाराणसी और बोधगया में। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने उन देशों को भी आमंत्रित किया है जहां बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें आसियान देश जापान शामिल है। आसियान IBC 2016 का विशिष्ट अतिथि था, जबकि जापान IBC 2018 का सहयोगी देश रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान का याद रखिए, आपकी जापान अभी क्या था 2018 में सहयोगी देश है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि खो खो के बारे में क्या न्यूज़ है। तो हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसको OCA भी कहते हैं, ने भारत के पारंपरिक खेल खो खो को मान्यता प्रदान की है। इस निर्णय के प्रभाव में आने के बाद खो खो को एशियन इनडोर गेम्स में प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो ये इनडोर गेम्स के रूप में इसको शामिल किया जाएगा एशियन गेम्स में। ठीक है, एशिया ओलंपिक परिषद क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्थान है और इसमें 45 देश एशिया के जुड़े हुए हैं, जिनकी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं वो इनमें जुड़ी हुई हैं इस ओलंपिक परिषद में। इसका मुख्यालय कुवैत में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शेख फहद अल सबा। तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है कि शेख फहद अल सबा, और इसके जो देश हैं वो कितने हैं, 45। भारत में प्राचीनतम खेलों में गिना जाता है खो खो। इसकी शुरुआत हुई थी प्रागैतिहासिक काल में, परंतु जो नियम कानून है वो 1914 में डेक्कन जिम खाना पूना के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ऐसी मान्यता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो महाराष्ट्र से हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौ और हेलिना मिसाइल, इसके बारे में हम जानेंगे। देश में विकसित किया गया सौ यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण राजस्थान के चंदन रेंज से भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और राजस्थान के चंदन रेंज से इसका परीक्षण किया गया है, और कौन से विमान से किया गया, तो जगुआर। ठीक है, इसके अलावा जो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है हेलिना, निर्देशित मिसाइल मतलब होता है गाइडेड मिसाइल अंग्रेजी में कहते हैं, अगर इसको एक बार निर्देश दे दिया जाए निशाने को लॉक कर देता है, और उसके बाद वो निशाना चाहे कहीं भी मूव करते रहे उसको जाकर वो वहीं खोज कर उसको मारेगा। ठीक है, तो ये होता है निर्देशित मिसाइल हेलिना, कभी राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, इन दोनों हथियारों को DRDO ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इसको। ठीक है, तो सौ जो है युद्धक सामग्री से लैस था, और इसने अपने जो निशाना है उसको सटीकता से साधने में इसने सफल परीक्षण हुआ। ठीक है, हेलिना दुनिया में अत्याधुनिक टैंक रोधी हथियारों में से एक है। सौ को भारतीय वायुसेना के लिए, जबकि हेलिना को भारतीय थल सेना के लिए विकसित किया जा रहा है।
तो ये आपको याद रखना है कि सौ भारतीय वायुसेना का है और हेलिना थल सेना का है, ठीक है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक देखते हैं, तो इसमें हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2018 जारी किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में विश्व के 140 शहरों को लिया गया है और वहाँ रहने की स्थिति के आधार पर इनका रैंकिंग प्रदान किया गया है। वर्ष 2018 के सूचकांक में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, उसको प्रथम स्थान मिला है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में इस सूचकांक में मेलबर्न जो है पहले स्थान पर था। सूचकांक में जो 10 शहर हैं उसको आपको याद नहीं रखना है, आपको देखना है कि भारत में कौन सा शहर है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क इस वर्ष में इस सूचकांक में सबसे नीचे है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी जो है दूसरा है नीचे से, और कराची चौथा है नीचे से। तो इसमें जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उसकी भी कुछ खास अच्छी स्थिति नहीं है, 112वां रैंक है, और मुंबई का है 117वां। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है, साथ ही साथ आपको इसका ये याद रखना है कि ये है क्या, तो वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, इसमें हम देखते हैं, ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें क्षमता याद रखिएगा और इसमें लिविंग इंडेक्स याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीर्ष 50 में भी स्थान नहीं बना सकी है, ठीक है, परंतु इसमें जो प्रथम स्थान है वो पुणे को प्राप्त हुआ है, और इसमें गर्व करने की बात यह है कि हमारा रायपुर 7वें नंबर पर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर जो है 7वें नंबर पर है, सॉरी अब तो नई राजधानी बन गई है नया रायपुर, और उसका नाम हो गया है अटल नगर, ठीक है। तो रायपुर इसमें 7वें स्थान पर है, इतना आपको याद रखना है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। यह सर्वेक्षण देश के 111 शहरों में किया गया है, दिल्ली को इस सूची में 65वां स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश का रामपुर इस सूची में 111वें स्थान पर है। तो सबसे लास्ट कौन सा है, तो रामपुर है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली 65वां है, और जो हमारे छत्तीसगढ़ का शहर रायपुर है वो 7वां है, ठीक है। आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय के अनुसार कोलकाता ने इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस शहर ने इसमें भाग नहीं लिया है, तो कलकत्ता ने। इसमें मेनली चार मानक निर्धारित किए जाते हैं, सबसे पहला है संस्थागत प्रबंधन, दूसरा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, ये तीन हो गए, और बुनियादी ढांचे की स्थिति। तो इन चारों चीज़ों फैक्टर पर यह तय किया जाता है कि कौन सा जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस प्रकार से स्थान प्राप्त करेगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।